सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे और जानेंगे एक न्यू अपडेट हमारा यूट्यूब चैनल की तरफ से आने वाला है। तो ऑलरेडी आ गया है। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र लॉगिन कर देना है। क्रोम ब्राउज़र लॉगिन करने से पहले आपको बताएंगे, आपको सबसे पहले आपको डेस्कटॉप सेट कर लेना है। जो डेस्कटॉप सेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस बड़ा ऑप्शन में, तो आपको डेस्कटॉप सेट कर लेना है, ठीक है। डेस्कटॉप सेट करने के बाद क्या होता है, आपको जो डिटेल्स होता है सब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम हो जाता है। तो इस बड़ा ऑप्शन में आपको डेस्कटॉप कर लेना है। तो गाइस, और एक बात आपको बताएंगे, तो गाइस हमारा चैनल में आप नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबा के आपको दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि आपका दोस्तों को भी ये सर्विस जो होता है देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप भी हमारा और एक चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा सिर्फ ब्लॉग का वीडियो, जो हमारा टेक वाला ब्लॉग जो होता है अभी उसमें अपडेट देंगे। तो गाइस, सबसे पहले बताएंगे आपको क्रोम ब्राउज़र लॉगिन करने के, इसमें आपको सर्च करना है अपना सेवा केंद्र। तो मेरा इसमें ऑलरेडी अपना सेवा केंद्र बोल के आ जाएगा। तो इसमें आपको अपना सेवा केंद्र का जो डिजिटल इंडिया डिजिटल बैंकिंग का जो सर्विस होता है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको नीचे थोड़ा इंस्टॉल कर देना है। इसमें आपको इमेज भी मिल जाता है अपना सेवा केंद्र का तरफ से। ये आपका अपना सेवा केंद्र का इमेज होता है, तो इसमें आपको ऐसा देखने को हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से अपना सेवा केंद्र में आप लोगों को क्या क्या जानकारी देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग बहुत बहुत भाई लोग मेरे को कमेंट किया था अपना सेवा केंद्र को रजिस्ट्रेशन करने के बाद, मेरे को कॉल अभी तक नहीं आया सर, मैं क्या करूँ, तो मेरे को प्लीज इसका सोल्यूशन बताओ। तो गाइस, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरा सोल्यूशन जो होता है शुरू से लास्ट तक सब भी बताएंगे, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अपना सेवा केंद्र जो हमारा पोर्टल है, तो इसमें देखो आपका वॉल में आ जाएंगे। तो अभी देखो इसमें अपना सेवा केंद्र बोल का ऑप्शन आ जाएगा आपका सामने। ये आपका ऑप्शन ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद देन आपका इसमें सामने ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको शो हो जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, सर्विस में जो भी आप सर्विस लेना चाहते हैं इस कंपनी के द्वारा आप ले सकती है। इसमें सभी फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ आपको एक आईडी का कॉस्ट ऐसा शायद गिर जाएगा, 1000-2000 रुपया गिर जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाएंगे इस वीडियो का मतलब से कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें सबसे पहले बताएंगे सर्विस के लिए, तो इसमें देखो सर्विस मिल जाता है बहुत कुछ। तो इसमें सबसे पहले आपको मिल जाता है मोबाइल रिचार्ज, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, पैन कार्ड सर्विस, इसमें बीपीएस सर्विस, माइनर ट्रांसफर, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीमेंट जो होता है, पैन कार्ड, यूटी अकाउंट का, वोटर आईडी कार्ड इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें एईपीएस कमीशन मिलता है, एईपीएस का बिजनेस आपको मिल जाएगा। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, इसमें स्टेट सर्टिफिकेट मिल जाता है, पासपोर्ट साइज, स्वाइप मशीन, याहू इट होटल बुकिंग, इसमें जीएसटी एम्प्लॉयमेंट जो होता है होटल बुकिंग, इसमें लोन एएमआई बिल पेमेंट, इंश्योरेंस बिल पेमेंट, उद्योग आधार, इसमें फीसी, इसमें आयुष्मान भारत, इसमें सबसे बेटर बोलते इसमें आयुष्मान भारत आया है, स्वच्छता भारत अभियान जो होता है इसमें अभिनय अभी आप गया है, इसमें प्रीपेड कार्ड, इसमें आधार कार्ड डाउनलोड, इसमें मेट्रो कार्ड, कियोस्क बैंकिंग, सीएसपी आप इधर से मिल जाता है आपको अप्लाई करने का सुविधा, रेशन कार्ड आपको मिल जाता है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, में अकाउंट ओपनिंग सर्विस, में किसान फसल योजना जो होता है किसान फसल योजना जो आपको मिलता है, IRCTC में मिल जाता है, डीटीएच बैंकिंग, इसमें किसान पेंशन योजना आपको मिल जाता है, इसमें CIB बैंकिंग मिल जाता है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको ये आपका ऑप्शन ज्वाइन कर लेना है इसमें आपको, और इसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर शो हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग सब भी आप लोगों को दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपको सभी डिटेल शो हो जाता है। इसमें देखो और सर्विस में क्लिक करेंगे तो इसमें देखो मोबाइल रिचार्ज, होटल, इसमें आपको सभी सर्विस मिल जाता है देने को। तो क्या करेंगे, हम लोग रजिस्टर करके देखेंगे। तो रजिस्टर में क्लिक करेंगे, रजिस्टर में क्लिक करने के बाद देन आपका सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा ऐसा, जो रिटेलर का स्टेट बोलते हो, इसमें सिलेक्ट करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा ऐसा देखने को। ये आपका अपना सेवा केंद्र की तरफ से ये फॉर्म आया है, तो ये फॉर्म आपको भर देना है, ठीक है। तो क्या कैसे भरेंगे, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग शुरू से एक लास्ट तक देना, क्योंकि आपको मिस्टेक हो जाएगा तो आप बाद में मेरे को नहीं बताना जो मेरा इसमें मिस्टेक हो गया कि मेरे को ऐसा आया है। तो आपका मिडिल नाम है तो मिडिल नाम डाल दो, नहीं तो आपको लास्ट नाम डाल देना। तो मेरा इसमें लास्ट नाम जो है, मैं इसमें लास्ट नाम डाल देंगे। तो लास्ट नाम डालने के बाद इसमें नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में आपका तहसील आपका जो है, तहसील बोलो तो आपका कौन सा बोलो तो ये है तहसील जो होता है, तो तहसील इसमें डाल देंगे। तहसील जो हमारा इसमें है HYB, तो मेरा तहसील डाल दिया इसमें, फादर एंड हस्बैंड, तो इसमें फादर का नाम डाल देंगे, ठीक है ना। इसमें फादर का नाम डाल देंगे, फादर का इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, ठीक है ना। तो फादर का डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद इसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, मैं इसमें फादर नाम इसमें डाल देना है, फादर एंड हस्बैंड का नाम, इसमें डेट ऑफ बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है। इसमें आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देना है,
तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें सिलेक्ट कर देंगे मैं, क्योंकि आपका आईडी बना रहा है, आपका पिताजी का नहीं बना रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें डाल देंगे। हाँ, डालने के इसमें पिन कोड आपका आ जाएगा, पिन कोड इसमें आपको डाल देना है। तो आप लोग इस वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको पूरा जानकारी होना है। इसमें आपको ऑटोमेटिक स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपको इसमें डालना है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं आप, वो आपको डाल देना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शुरू से लास्ट तक दिखा रहा हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो मेरा ऑलरेडी मेल इसमें लगा के रखा है, इसमें विलेज का नाम आपको डाल देना है। मेरा जो विलेज का नाम है, मेरा विलेज का नाम डाल दिया। हम डालने के बाद इसमें नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में आपका आ जाएगा ईमेल आईडी। जो आप ईमेल आईडी देना चाहते हो, आपको ईमेल आईडी इसमें शो करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने इसमें क्या है, इसमें ईमेल आईडी भी डाल दिया है। तो MADLGMAI, इसमें आपको पैन कार्ड नंबर डालना होता है। आपको जो भी पैन कार्ड नंबर है, BS, मेरा इसमें पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद क्या करेंगे, आधार कार्ड नंबर आपको डालना है। जो आपका आधार कार्ड नंबर है, इसमें आपका आधार कार्ड नंबर डाल देना है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट में आपको रेसिडेंट एड्रेस जो होता है, इसमें आपको जो एड्रेस है आपको इसमें डाल देना है। तो मेरा रेसिडेंट एड्रेस जो है इसमें डाल दिया है। डालने के बाद क्या करेंगे, डालने के बाद इसमें आपको सिलेक्ट मेंबर टाइप आपको आ जाएगा। इसमें आपको कौन सा मेंबर आप चाहिए तो आप इसमें सिलेक्ट कर देना है। तो मैं इसमें मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें स्टेट हेड। तो मैं क्या करेंगे, स्टेट हेड में क्लिक कर देंगे। मैं स्टेट हेड लेना चाहता हूँ, तो इसमें स्टेट हेड में क्लिक कर देंगे। स्टेट हेड में क्लिक करने के बाद, स्टेट हेड डालने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें सबमिट बटन को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आपको और एक बार आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल्स कैसे भरना है। तो इसमें अशोक मेरा नाम है, टाइटल मेरा ए है, तहसील मेरा ए है, फादर नेम ए है, डेट ऑफ बर्थ ए है, पिन कोड, स्टेट डालने के बाद आपका इसमें फुल एड्रेस डाल देना है। आपका आधार कार्ड का जो फुल एड्रेस है उनको डाल देना है। डालने के बाद नीचे आपका सैंपल इसमें सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो कंपनी है देखो, आपको मिल जाएगा न्यू दिल्ली का, इसमें है कंपनी महिला महिंद्रा ग्रुप केंद्रा कंपनी का। इसमें आपका मिल जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका नंबर, इसमें आपको हेड ऑफिस का नहीं मिल जाता है। इसमें एक कंपनी जो है इसमें डायरेक्ट दिल्ली का तरफ से है। तो क्या करेंगे, इसमें सबमिट बटन में क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन में इसमें देखो सक्सेसफुल हो गया हमारा आईडी क्रिएट। तो हमको थोड़ी देर के बाद कॉल आ जाएगा, जो कंपनी की तरफ से हमारे पास कॉल आता है वो हमारे पास कॉल आ जाएगा। ठीक है, कॉल आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सर्विस होता है हम लोग ले लेंगे। तो इसमें देखो लॉगिन करने को जाएंगे तो लॉगिन हमारा अभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास आईडी एंड पासवर्ड नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास अभी आईडी एंड पासवर्ड नहीं है, तो लॉगिन हमारा नहीं होगा। मेंबर आईडी और इसमें पासवर्ड जो होता है, इसमें हमारा जब भी हमारे पास कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन होगा उसी टाइम हमारे पास मेल आ जाएगा कंपनी की तरफ से। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो देखे बहुत मैं आशा करता हूँ पसंद होगा। तो गाइस लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई।